पिछले साल 19 नवंबर के दिन हम में से काफी लोग रोए थे, काफी लोग काफी दिनों तक डिप्रेस रहे थे, क्योंकि फाइनल में आकर के हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिस कर गए। इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए रोहित और टीम ने जिस तरह से अपने आप को वापस पॉजिटिव बनाया, फोकस शिफ्ट किया और कुछ ही महीनों के अंदर एक और वर्ल्ड कप फाइनल में हम लोग आए और जिस तरह से जीते हैं, एक हारती हुई मैच को जिस तरह से टीम वापस लेकर आई है, आई वॉन्ट टू सल्यूट टीम इंडिया। और दोस्तों, उस रात को मैं बिलीव करता हूं कि जिस तरह से मैं रोया, गूज़बम्स खड़े हो गए थे, वो आपके साथ भी हुआ होगा। मगर तीन चीजें, सबसे पहला रोहित की कप्तानी, लीडरशिप, उन्होंने अपने टीम को सेम टू सेम रखा, टीम पे भरोसा किया। जब लोगों ने कोहली को लेकर सवाल पूछे थे सेमीफाइनल्स तक, तब कहा था कि नहीं, ही इज द बेस्ट वी हैव गॉट, वो परफॉर्म करेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि कोहली ने फाइनल्स में परफॉर्म किया। बेस्ट पार्ट तो ये था कि परफॉर्म करके अपने अच्छे परफॉर्मेंस को उन्होंने डेडिकेट कर दिया ऊपर वाले को, कि कभी कभार आप जो चाहते हैं वो नहीं, बट जब वो चाहता है तो होता है, तो सरेंडर करना जरूरी है। कोहली ने अपने आप को जिस तरह से डाउन टू अर्थ रखा है इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद, काफी कुछ है जो उनसे हम सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जब वर्ल्ड कप जीत कर गई थी, तो कभी वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखना, एरोगेंस दिखाना, रूडनेस, जबकि रोहित ने इंडिया का, भारत का झंडा बारबाडोस में गाड़ तो दिया, मगर साथ ही साथ दोस्तों वो जमीन की जो मट्टी थी जहां पर वो लोग जीते हैं, उसे चेक करके वो आए, वो रिस्पेक्ट दे करके कि जमीन पर हम जीते हैं, वो रिस्पेक्ट उन्होंने दिखाया। एंड श्योरली इट वॉज अ टीम एफर्ट, कोई एक अकेला इंसान नहीं था, पूरी टीम थी जो ये जीत करके वापस आई है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि काफी सारे स्टार्स ने रिटायरमेंट अनाउंस किया उसके बाद, मगर एक बात तो पक्की है दोस्तों कि जीत करके रिटायर होना कभी आसान नहीं होता, और ये एग्जाम्पल है डिटैचमेंट का और उनके अंदर की सच्ची स्पिरिचुअलिटी का। आपने और क्या सीखा है मुझे कमेंट में लिख करके बताइए।